नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि भगवा पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच धर्म के आधार पर भेद करती है। सीएम ने वाम दलों और भाजपा के बीच कथित गुपचुप गठजोड़ को लेकर दोनों पर निशाना साधा और उन पर राम वाम यानी कि भाजपा और वाम गठबंधन बनाने का भी आरोप लगाया। সংশোধন করো, আর তা নাহলে আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে। সবকিছু মনে রাখবেন, আমিও কিন্তু দলের ঊর্ধ্বে নই, আমিও কিন্তু মানুষের ঊর্ধ্বে নই। আমার রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু দ্য পিপল। আমি প্রতিদিন সকাল থেকে রাত মেনে চলি। सीबीआई ने बगतुई कांड के मुख्य आरोपियों में से एक ललन शेख के हलफनामे में विस्फोटक बयान होने का दावा किया था, जिसकी हिरासत में मौत हो गई थी। सीबीआई ने समय का जिक्र किया है और हलफनामे में लिखा है कि अनारुल और अनुव्रत ने 21 मार्च की रात 8:50 पर बात की थी और 22 मार्च को भी दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे से फोन पर बात की थी। महानगर में हुड़दंग मचाने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने 1 जनवरी को 208 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से 6 लीटर शराब भी जब्त की गई। रविवार को साल के पहले दिन कोलकाता पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार दूसरे दिन भी बाइक सवार और ड्रग ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1 जनवरी को बाइक पर बिना हेलमेट के घूमने के आरोप में 43 लोगों पर कार्रवाई की गई और बिना हेलमेट के बाइक चलाने के आरोप में 76 लोगों पर कार्रवाई की गई। कोलकाता के 65 साल के तपस शांडिल्या ने अपनी दिवंगत पत्नी की सिलिकॉन स्टैचू बनवाई है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में उनकी पत्नी इंद्राणी की मौत हो गई थी। इसके बाद तपस ने 2.5 लाख रुपए खर्च कर पत्नी की प्रतिमा बनवाई। 7 वर्षों से प्रेम प्रसंग चलने के बाद प्रेमिका पत्नी का दर्जा पाने के लिए शादीशुदा प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। प्रेमिका ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। घटना सागरपाड़ा थाना क्षेत्र के काटाबारी भागनपाड़ा इलाके की है। राज्य के मंत्री बेचाराम मन्ना और विधायक करबी मन्ना ने हरिपाल गुरुदयाल इंस्टीट्यूशन का 125वां वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हरिपाल गुरुदयाल इंस्टीट्यूशन 125वां वर्ष आज के सूचना हलो उपलक्षे प्रदीप प्रज्वलन एवं बर्णाढ्य शोभायात्रार मध्य दिए सारा बचर धरे अनुष्ठान चलबे। बर्णाढ्य शोभायात्रा छात्र छात्रीरा एवं बर्तमान छात्र छात्रीरा अभिभावक अभिभाविकारा সকলে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হরিপাল মানুষের মন কেড়েছে। अब रुक कर लेते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक स्कूटी सवार लड़की के कार की चपेट में आ जाने से लड़की की मौत हो गई। कंजवाला इलाके में हुई घटना को लेकर पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस ने मुझसे कहा है कि अगर पोस्टमार्टम में आ गया वे रेप का केस लगाएंगे। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मृतका की मां ने कहा कि मैं फांसी की मांग करती हूं ताकि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। मेरी बच्ची के शरीर पर त्वचा नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, उसके शरीर का सारा मांस छिला हुआ है। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हम बहुत गरीब हैं और वो ही कमाती थी, हमें इंसाफ चाहिए। मनोरंजन की दुनिया पर एक नजर। छोटी सी बच्ची ने सपना चौधरी को जान स्टेज पर दे दी ऐसी टक्कर, लोगों ने जमकर बजाई तालियां। अब डाल लेते हैं धार्मिक खबरों पर एक नजर। सनातन धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2023 की पहली एकादशी 2 जनवरी यानी कि कल मनाई जा रही है।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गवत्थिल एकादशी या मुक्ति कोट एकादशी भी कहा जाता है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।